हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोडर हिंदी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि अब रिएक्ट जेएस को आप जैसे इंस्टॉल कर देते हैं npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो आप उसकी जगह अब आप वाइट का यूज़ कर सकते हैं। तो वो आप कैसे करेंगे आज की वीडियो में आपको यही एक्सप्लेन करूँगा, आपको वाइट की मदद से आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करनी है आज की इस वीडियो में आप एंड तक ये सीख जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, वक्त को ज़ाया ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक न्यू टैब ओपन कर लेना है। आपको यहाँ पे सर्च करना है whitejs.dev। तो ये इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट खुल कर आ जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने पर आपको दिखेगा यहाँ पे विद npm, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलते हैं, विद यार्न, विद PNPM, और आपको यहाँ पे बहुत सारे मिलेगा कि आप पूरा उसका टेम्पलेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वाइट की रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, तो ये सब हम ध्यान में नहीं रखेंगे। बस आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इसमें आपको बता रखा है कि आपका नोड जेएस है वो आपका 14.18 वर्जन से ज़्यादा और 16 प्लस होना चाहिए। इन दोनों से आपके वर्जन से ज़्यादा होना चाहिए तभी आपके जो आपका लोकल डेस्कटॉप है उसके अंदर आपकी वाइट इंस्टॉल हो पाएगी। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट स्टेप चलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कमांड है npm क्रिएट white at the rate latest। जैसे आप इसे डालेंगे और एंटर इट करेंगे तो आप ओके पर ओके टू प्रोसीड आएगा, आपको येस पर क्लिक कर देना है, येस एंटर इट कर देना है। देन आप क्या आएगा, प्रोजेक्ट नेम पूछेगा आपसे, तो यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट का नेम दे देना है जो आप देना चाहते हैं। तो यहाँ पे दे देता हूँ मैं डिजी कार्ड फ्रंट एंड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिजी कार्ड और यहाँ पे दे देता हूँ डैश फ्रंट एंड। ठीक है, हाइफन फ्रंट एंड दे दिया मैंने, आपको ध्यान रखना है कोई स्पेस स्पेस ना दें। देन आपसे यहाँ पे फ्रेमवर्क पूछेगा तो आपको क्या करना है, रिएक्ट पर एंटर आ करके एंटर हिट कर देना है। और आपको क्या बोलना है, यहाँ पे सिंपल सा आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ही चूज़ कर लेना है। वेरिएंट कौन सा लेना है, तो जावास्क्रिप्ट। तो आप देख सकते हैं आपकी जो पूरी क्रिएट रिएक्ट एप्लीकेशन जो इतना टाइम लेती थी आपकी चंद सेकंडों में वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है पूरी की पूरी। ठीक है, डिजिकार्ड फ्रंट एंड के अंदर आपकी जो रिएक्ट की सारी फाइल्स होती हैं वो आपके यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर दीजिए। क्लियर स्क्रीन करने के बाद आपको यहाँ पे सीडी करना है। सीडी लिखने के बाद आपको सीधा अपने उसका फोल्डर का नाम दे देना है, जैसे कि डीजी कार्ड मैंने दे दिया और डीजी कार्ड के अंदर एंटर हिट करके मैं उसके अंदर आ गया। फिर मैंने दे दिया npm i यानी npm इंस्टॉल। तो इससे क्या होगा, हमारा जो नोड मॉड्यूल्स वाला जो फोल्डर होता है जिसके अंदर सारे के सारे पैकेज मैनेजर होते हैं नोड के, वो सारे के सारे ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएंगे। तो इसका इंस्टॉल होने का सारा वेट कर देते हैं और आप देख सकते हैं कितनी जल्दी यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर क्रिएट हो चुका है, जो कि हमारा रिएक्ट लेता है 2 से 3 मिनट होने में, वो इसने विद इन 30 सेकेंड कितनी आसानी से यहाँ पे इसने पूरा का पूरा लोड ले लिया है और हमारी सारी की सारी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है फाइल्स। जो भी रिएक्ट जैसे हमारा 2-3 मिनट लेता है हाफ, तो इसने विद इन 1 मिनट के अंदर यहाँ पे सारी की सारी हमारी फाइल्स इंस्टॉल कर दी। अब यहाँ पे सीधा आपको कमांड देनी है npm run dev, आपको सिंपली लिखना है npm run dev। ठीक है, आपको जैसे ही एंटर हिट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो लोकल होस्ट पे रन होगी वो कितनी जल्दी हो जाएगी। आपको यहाँ पे लोकल मिल चुका है ये URL, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। फॉलो लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे और आपका देख सकते हैं यहाँ पे आपकी वाइट और रिएक्ट जेएस यहाँ पे आपका जो एक एप्लीकेशन है वो एक क्रिएट हो चुकी है। तो ये इतनी फास्टली आप यहाँ पे इसे क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंटर की हमें मिली हुई है, यहाँ पे इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ये रिफ्रेश है, फास्ट लोड है, एकदम फास्ट चलती है और रिएक्ट से 4 गुना फास्ट है। ठीक है, तो आप अगर आपको अब तक रिएक्ट पे यूज़ करते करते आपने इतना सारा इंस्टॉल करते हो उससे परेशान हो गए हो, तो आप वाइट पर ज़रूर ट्रांसपोर्ट हो सकते हो। आप अपनी रिएक्ट npx क्रिएट रिएक्ट को छोड़कर आप सीधा वाइट पर आइए, इसे यूज़ कीजिए, ये वाला मेथड आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप इसका फोल्डर स्ट्रक्चर भी बहुत इजीली सेट कर सकते हैं। अगर आपको रिएक्ट js को छोड़ करके वाइट के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए इसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करूँगा, आपके लिए रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट इन सब चीज़ों की भी नॉलेज आपको ला के देता रहूँगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे यूट्यूब की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।